ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र की हम इतनी ज्यादा चांटिंग करते हैं पर क्या दी इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं समझ में नहीं आता। प्लीज इसके बारे में बताओ और ये हमें कैसे नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, ये मंत्र के बारे में क्या चीज है और क्यों हमें ये नेगेटिव रिजल्ट देता है, आज मैं आपको इसके सारे रीजन बताने वाली हूँ। वह जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर स्विचवर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीजों पर वीडियोज बनाती हूँ। Guys, I welcome you all to my YouTube channel. As you all know, जब भी आप क्लीम 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 बोलते हैं तो ये एक मैग्नेटिक वर्ड होता है। जब आप कुछ चीज के बारे में सोचते हैं या जब आप किसी इच्छा के लिए इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो ये उस चीज को अट्रैक्ट करके खींच कर आपके पास लेकर आती है। ये मंत्र बहुत 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 ज्यादा यू नो पावरफुल होता है उन केसेस में जब आप किसी चीज को अपनी लाइफ में बहुत टाइम से चाह रहे हो। ये मंत्र आपकी हर इच्छाओं को पूरी करता है और अगर आप इसकी रेगुलर चैंटिंग करते रहेंगे रोज तो आपकी लाइफ इतनी पॉजिटिव हो जाएगी और हर तरफ से आप पॉजिटिविटी को लेने लग जाएंगे। पर इसके यू नो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, बता बता के थक जाओगे एंड वीडियो कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज बताती हूँ ये मंत्र आपको नेगेटिव रिजल्ट क्यों देता है। एक रीजन होता है बहुत बड़ा कि आपको मंत्र नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। हम सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एक अपनी वाइब्रेशंस में रहते हैं, कोई कभी बहुत खुश होता है तो कोई कभी बहुत ज्यादा दुखी होता है, कोई बहुत ज्यादा रोता है तो भाई कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कोई कुछ यादों को लेके खुश हो जाता है, कोई कुछ यादों को लेके रोने लग जाता है। सबकी अपनी अलग वाइब्रेशंस होती हैं जो कि मैच नहीं होती हैं। बहुत कम केसेस में वाइब्रेशंस मैच होने लग जाती हैं और चीजें पॉसिबल होने लग जाती है। पर हम ह्यूमंस में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जलन। उसका चीज अच्छा है, मेरी चीज बुरी है। यार उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उसके साथ ही अच्छा होते जा रहा है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ये सारे जब नेगेटिव थॉट्स आप अपने माइंड में रखते हो, अरे उसका जल्दी से बुरा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो जल्दी से उसका कुछ बुरा हो जाए और बस मेरे को मजा आ जाएगा, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपको किसी से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत 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 गुस्सा आ रहा है और आप उससे जलन के मारे पागल हो गए हो, ये एक नेगेटिव रिजल्ट है। वहीं जब आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो और आप कुछ चीज के बारे में आपके माइंड में थॉट आ रहा है जो कि बहुत नेगेटिव है, वो मंत्र उस नेगेटिव थॉट को भी खींचने की तैयारी कर लेता है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप इस मंत्र की चैंटिंग करिए एक विजुअल पिक्चर को लेके चलिए कि हाँ मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये चीज अपनी लाइफ में चाहिए और आप इस मंत्र की चैंटिंग करिए। कुछ लोग की विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है तो आप वो फोटो ले लीजिए जैसी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज आपके साथ होने लग जाएगी। ये सब कुछ एक एनर्जी एंड वाइब्रेशन का खेल है, जो चीजें आप सोचोगे ये मंत्र उस चीज को लाने लग जाएगा। नेगेटिव रिजल्ट तो मैं बोलती हूँ ऐसे हर एक मंत्र नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा किसी के साथ नेगेटिव बन रहे हो या बहुत ज्यादा किसी के अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हो, आप कभी खुश नहीं हो रहे हो अपनी लाइफ में चीजों को लेके, आप दिन भर कंप्लेंस कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपको हर चीज का एक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। हाँ हम चीजें अच्छी कर सकते हैं, हमारे पास मौके आते हैं अच्छे करने के, लेकिन ये कुछ चीजें हमारी लाइफ में हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, खराब कर देती है और इन कंप्लेंस की वजह से ही हमारी लाइफ में एक नेगेटिव रिजल्ट आता है। जितने लोग ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की चैंटिंग करते हैं और ऐसा सोचते हैं अरे दीदी गूगल पे पढ़ा है इतने नेगेटिव रिजल्ट्स, कोई मंत्र नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है, ये चीज मैं अभी भी क्लियर कर देती हूँ। वो चीज नेगेटिव रिजल्ट तब देता है जब आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आप दूसरों के लिए कुछ गलत करना चाह रहे हो या आप चाहते हो उसके साथ गलत हो जाए इसलिए मैं मंत्र की चैंटिंग कर रहा हूं, तो वो चीज लौट के पहले आप पे आती है फिर उस इंसान पे जाती है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोग ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं प्लीज इसको करना बंद कर दीजिए। जब भी आप इस मंत्र की चैंटिंग करें बोल दीजिए कि मैं इस वजह से चैंटिंग कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूं इसलिए मैं इसकी चैंटिंग कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली आप उसके रिजल्ट्स देखोगे। लेकिन वो चीज आपको नेगेटिव रिजल्ट तब दिखाएगी जब आपका माइंडसेट एक नेगेटिविटी में है, आप किसी से बहुत ज्यादा जलन कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फेज में आ रहे हो, लेकिन ये मंत्र आपको पॉजिटिव भी बनाएगा जब आप खुशी से इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे, एक अच्छी वाइब्रेशन में अच्छे मूड में आप इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव की आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा।
डिपेंड आप पे है भाई, आपको जैसा करना हो। मौके भी हमारे पास है, करने का तरीका भी बहुत सारा है, लेकिन एफर्ट्स तो हम भी लगाने पड़ते हैं। प्लीज जब भी आप इस मंत्र की चैंटिंग करिए तो इन बातों को ध्यान में रखिए, बिल्कुल किसी से जलन की भावना रखिए ही मत। और मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे नेगेटिव लोगों की वजह से हम नेगेटिव बन जाते हैं और हमें कैसे डील करना है इन नेगेटिव लोगों को, क्योंकि हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे पीछे आ जाते हैं और उसको खराब करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी बहुत जल्दी प्रेयर लेके आने वाली हूँ, उसके लिए एक्साइटेड हो जाओ। लेकिन हाँ, इस मंत्र के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बातें आज मैंने आपको बता दी है। मेक श्योर आप इस चीज पे ध्यान रखें और जब भी मंत्र की चैंटिंग करें अगली बार इंटेंशंस क्लियर रखें, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी बिकॉज यू डिजर्व इट।